तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एलिमेंट सीरीज मॉडल 8। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन द अबव सीरीज विच एलिमेंट इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ, 4th टू द लेफ्ट ऑफ डॉलर। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता करना है कि ऊपर दी गई सीरीज में कौन सा एलिमेंट है जो है 8th टू द लेफ्ट ऑफ, 4th टू द लेफ्ट ऑफ डॉलर। अब शायद सोच रहे होंगे आप लोग कि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है राइट मॉडल 4 में। यस इसी प्रकार का क्वेश्चन था, लेकिन डिफरेंस ये है कि मॉडल 4 में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो एक किसी पर्टिकुलर एंड से काउंट किया गया था, लेफ्ट एंड से या राइट एंड से, जैसे विच एलिमेंट इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ, 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट, या 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड या राइट एंड। लेकिन यहां पर अगर आप देखें विच एलिमेंट इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ, 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड नहीं दिया गया, 4th टू द लेफ्ट ऑफ डॉलर, यानी यहां पर हमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लोकेट करना है लेकिन किसी और एलिमेंट के रेफरेंस से। वहां पर हमने लेफ्ट एंड या राइट एंड के रेफरेंस से पता किया था, यहां पर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के रेफरेंस से किसी दिए गए एलिमेंट को लोकेट करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, 4th टू द लेफ्ट ऑफ डॉलर देख लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जो है 4th टू द लेफ्ट ऑफ डॉलर। अब डॉलर कहां पर है, डॉलर है यहां पर 4th टू द लेफ्ट ऑफ डॉलर राइट, डॉलर से 4th लेफ्ट साइड पर। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है हैश, यानी इस पार्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं हैश से। अब अगर क्वेश्चन को फिर से पढ़े, इन द अबो सीरीज विच एलिमेंट इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ हैश राइट, इस पार्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं हैश से। सो विच एलिमेंट इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ हैश, अब हैश है यहां पर 8 टू द लेफ्ट ऑफ हैश, यानी हैश से लेफ्ट साइड पर जाना है, कितने पोजिशंस, 8 पोजिशंस। सो 1, 5, 6, 7, 8, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परसेंटेज, इन द अबव सीरीज विच एलिमेंट इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ, 4 टू द लेफ्ट ऑफ हैश, फाइनल आंसर है परसेंटेज राइट। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन की एक्चुअली जरूरत नहीं है, लेकिन अब हम देखेंगे कैसे हम इसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने मॉडल 4 में देखा था क्या, कि जब भी लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन या राइट राइट का कॉम्बिनेशन दिया गया हो, हम दोनों पोजीशंस का डिफरेंस लेंगे, और लेफ्ट एंड राइट या राइट एंड लेफ्ट के कॉम्बिनेशन में हम दोनों पोजीशंस का सम लेंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, यहां पर हमें लेफ्ट दिया गया है और दूसरी बार भी लेफ्ट दिया गया है। अब अगर मॉडल 4 से कंपेयर करें तो लेफ्ट एंड लेफ्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ द पोजीशंस, लेकिन इस क्वेश्चन में या इस पर्टिकुलर मॉडल में हमें उसका ऑपोजिट करना है, यानी जब लेफ्ट और लेफ्ट या राइट और राइट का कॉम्बिनेशन दिया गया है तब हम ऐड करेंगे, और लेफ्ट राइट या राइट राइट के कॉम्बिनेशन में हम डिफरेंस लेंगे राइट। सो मॉडल 8 मॉडल 4 से क्वाइट ऑपोजिट है राइट, बिल्कुल उसका उल्टा करना होगा, वहां पर लेफ्ट एंड लेफ्ट हम डिफरेंस लेते हैं, यहां पर लेफ्ट एंड लेफ्ट हमें सम लेना है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट से है, वहां पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे किसी पर्टिकुलर एंड से। ओके सो सिंपल सा पॉइंट है, लेफ्ट और लेफ्ट हम ऐड करेंगे, राइट और राइट में भी हम ऐड करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, एंड लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, इन दोनों केसेस में हम लेंगे डिफरेंस ऑफ द पोजीशंस। ऑलराइट सो देख लेते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे इस शॉर्टकट से। अब क्योंकि क्वेश्चन में लेफ्ट एंड लेफ्ट दिया गया है राइट, लेफ्ट एंड लेफ्ट हमें सम लेना है, किसका सम, दी गई पोजीशंस का सम। सो 4 प्लस 8 कितना है, 12। 12th एलिमेंट कहां से, 12th एलिमेंट हम लेंगे लेफ्ट ऑफ डॉलर से राइट, जैसे हम मॉडल 4 में भी किए थे राइट, अगर लेफ्ट हैंड हो तो लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड हो तो राइट हैंड से। अब यहां पर क्या है, लेफ्ट ऑफ डॉलर, लेफ्ट ऑफ डॉलर राइट, सो 12th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ डॉलर, सो डॉलर है यहां पर लेफ्ट साइड पर, 12th एलिमेंट चेक करना है। सो 1, 5, 9, 10, 11, 12 परसेंटेज हो गया आंसर। इसी प्रकार से मान लें अगर यहां पर राइट दिया गया, राइट ऑफ डॉलर, तो क्या करेंगे, 12 आया है हमें सम, 8 प्लस 4 का सम है 12, 12th एलिमेंट टू द राइट ऑफ डॉलर, सो डॉलर से राइट साइड पर 12th एलिमेंट काउंट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉडल 8 मॉडल 4 से सिमिलर है, डिफरेंस इतना ही है कि वहां पर हम, जैसे मैंने कहा, किसी पर्टिकुलर एंड से कैलकुलेट करते हैं, यहां पर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से हमें किसी दूसरे एलिमेंट को लोकेट करना है। तो ध्यान रखें, केयरफुल रहें इस शॉर्टकट के बारे में राइट, अगर आप इसे, मतलब इसमें कंफ्यूज हो जाए तो रॉन्ग आंसर आएगा। वहां पर लेफ्ट एंड लेफ्ट, राइट एंड राइट, यानी डिफरेंस, एंड लेफ्ट एंड राइट सम, यहां पर होगा उसका उल्टा, लेफ्ट एंड लेफ्ट, राइट एंड राइट सम, और लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन में हम लेंगे डिफरेंस। सो इस प्रकार से मॉडल 8 को आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसी क्वेश्चन के साथ एलिमेंट सीरीज का ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस पर, क्योंकि जैसे मैंने कहा जनरली 5 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं 2 या 3 मिनट में राइट। सो दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।